हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली मैं आज आपके लिए बहुत एक अच्छा न्यूज लेके आ गया हूँ दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि KTM ड्यूक 125 को टक्कर देने के लिए मार्केट पर डोमिनर 125 आ सकता है दोस्तों, क्योंकि 125 सेगमेंट पर KTM ड्यूक 125 पर आपको जो भी स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, आपको अदर्स किसी बाइक में ऐसे स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलता। उसी बात को नजर रखते हुए डोमिनर 125 रिलीज हो सकता है। सो आप अगर डोमिनर की फैन हो तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है डोमिनर 125 पर क्या क्या स्पेसिफिकेशन आ रहा है, माइलेज कितना होने वाला है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स जो कि है दोस्तों प्राइस, आपको डोमिनर 125 के लिए ऑन रोड प्राइस कितना मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो के अंदर। सो दोस्तों इंडियन मार्केट पर बहुत ही जल्दी डोमिनर 125 आ रहा है KTM ड्यूक 125 को टक्कर देने के लिए। तो डोमिनर 125 की अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको USD फोक्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हर एक मिड रेंज राइडर का चाहत रहता है कि उसकी बाइक में USD फोक्स हो। सो आपको इस डोमिनर 125 पर 43mm की USD फोक्स देखने को मिल जाएगा। एंड रियर पर सीट हाइट को एडजस्ट करने के लिए आपको जो है मोनोक्रॉस एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल सकता है। इस बाइक के अगर एलोवेल के बारे में बात किया जाए तो दोनों साइड पर यानी कि फ्रंट एंड रियर पर आपको जो 17 इंचेस अलॉय मिल जाएगा, एंड 17 इंचेस अलॉय के साथ फ्रंट पर आपको 110x90 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएगा जो MRF की ओर से आएगा, एंड रियर पर आपको 130x70 सेक्शन के टायर मिल जाएगा जो MRF की ओर से आएगा। जैसे कि 400 डोमिनर पर आपको टायर साइज थोड़ी सी ज्यादा मिल जाते हैं, बट 250 जो डोमिनर आता है उससे जो टायर साइज थोड़ी सी कम हो जाता है। सो आपको यहां पर 130x70 के टायर देखने को मिल जाएगा रियर पर। एंड इस बाइक की अगर ब्रेकिंग की बात किया जाए तो आप को फ्रंट पर 300mm के डिस्प्ले मिल जाएगा एंड रियर पर 230mm के डिस्प्ले मिल जाएगा। बट इस बाइक पर आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है दोस्तों, जैसे कि KTM ड्यूक 125 पर सिंगल चैनल ABS है, वही ABS आपको यहां पर भी देखने को मिल सकता है, एंड रियर पर आपको कोई भी ABS नहीं मिलेगा। एंड इस डोमिनर 125 की इंजन के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको यहां पर 124.5cc इंजन मिल रहा है जो वर्किंग होगा 14.5 BHP पावर के साथ, एंड आपको यहां पर FI के साथ सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूलिंग की ऑप्शन भी मिल सकता है दोस्तों। एंड इस बाइक पर आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल सकता है। एंड इस बाइक की अगर फ्यूल टैंक की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 13 लीटर की फ्यूल टैंक मिल रहा है, एंड टोटल वेट की अगर इस बाइक की बात की जाए तो वही आपको 250 एंड 400 डोमिनर की तरह यहाँ पर भी 180 kg के साथ ही आता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप जहाँ पे 125 बाइक ले रहे हो तो आप डेफिनेटली उस बाइक पर माइलेज कितना मिल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। सो आपको इस बाइक पर सिटी के अंदर 35 से 40 तक इजिली माइलेज मिल जाएगा। एंड आप अगर इस बाइक को लेकर हाईवे पे जाते हो तो आपको जो माइलेज मिल जाएगा 45 से 48 तक माइलेज इजीली आपको मिल जाएगा। फ्रंट पर आपको 400 डोमिनर एंड 250 डोमिनर की तरह ही LED हेडलैम्प मिल रहा है जो नाइट पर बहुत ज्यादा विजिबिलिटी आपको दे देती है, एंड रियर पर आपको बहुत ही आई कैची अट्रैक्टिव LED टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा जो कि दूर से नजर आता है कि कोई डोमिनर ही आ रहा है दोस्तों। एंड इस बाइक पर चारों इंडिकेटर्स आपको LED मिल रहा है, एंड हैजर्ड लाइट का भी ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। डोमिनर को जाना जाता है उसके हेडलैम्प के लिए, इंडिकेटर्स के लिए एंड इसके पावर के लिए। सो दोस्तों आपको वही सब कुछ मिल रहा है जैसे कि 250 और 400 डोमिनर के साथ आता है, वही सब कुछ आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, खाली यहाँ पर सीसी थोड़ी सी कम है दोस्तों। सो इस बाइक की अगर ऑन रोड प्राइस के बारे में बात किया जाए तो आपको ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा लगभग 1,50,000 रुपीज के आसपास। सो दोस्तों आप अगर सोच रहे हो कि इस बाइक की प्राइस थोड़ी सी हाई है तो आप गलत हो, क्योंकि आपको देख लेना चाहिए कि इस बाइक पर आपको क्या क्या मिल रहा है। जैसे कि अदर बाइक के अगर कंपेरिजन हो इस बाइक से तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना चाहिए यहां पर आपको USD फोक्स मिल रहा है, एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिल रहा है, फ्रंट पर आपको 300mm के डिस्प्ले मिल रहा है, ABS मिल रहा है। सो और क्या चाहिए दोस्तों। सो इसका जो भी प्राइस है वो अपनी जगह सही है। सो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और जो जो दोस्त डोमिनर 400 250 लेना चाहते हैं या फिर पसंद करते हैं उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना एंड चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक आप अच्छे से रहना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।